क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया है आप एसएच 2.7 का ही, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसको सॉल्व करने तरीका देखो, 4 को हमने ब्रेक कर दिया 2 का स्क्वायर पे, ये 2 क्या होता है 4, एम ऐसे आ गया। 15 को ब्रेक किया है 3 × 5, यानी 3 × 5 = 15, पावर ऐसे ही आ गई है। 9 को ब्रेक किया है 3 × 9, यानी 3 के ऊपर स्क्वायर और बाकी पावर ऐसे ही आ गई है। 10 को ब्रेक किया 2 × 5 = 10, 2m पावर ऐसे ही आ गई। 25 होता है 5 का स्क्वायर, m माइनस n ऐसे ही आ गया। तो ये वाली पावर जो है इस पर भी अप्लाई हो रही है और इस पर भी अप्लाई हो रही है। अप्लाई कर देंगे पावर को, 2m − 2n ऐसे आ गया। ये बिल्कुल सेम टर्म थी, आपस में कैंसिल हो गई। इसके बाद ये वाला 3 है और ये वाला 3 है, दोनों की बेस सेम है, पावर को साथ लिख लेंगे। पावर को साथ लिख लिया, ये वाला 5 ऐसे ही आ गया और नीचे 2 5 हैं, दोनों की बेसिस सेम है, यानी कि पावर साथ कर लेंगे। जो जो कैंसिल हो रही है वो कट कर देंगे, +4m − 4m कैंसिल, −2n + 2n कैंसिल, +1 सिर्फ बच गया। यहाँ पे अभी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में इस 5 को जितनी पावर देंगे सबको ऊपर ले जाएंगे, इस 5 के साथ जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएंगी। जब ऐसे करेंगे तो +4m − 4m कैंसिल हो जाएगा, −2n + 2n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ +1 बच जाएगा। 3 का +1, 5 का 1 बचा और 3 × 5 = 15, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है इस एक्सरसाइज का, तो 2 1s का देखना है आपने किसका रूट है। सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का। 2 1s के लिए हमने एलसीएम ले चुके हैं पहले ही, यानी 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। पावर ऐसी आ जाएगी, 25 होता है 5 का स्क्वायर, इसके ऊपर पावर है हाफ, ये −3/2 है और ये अपॉन में, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। स्क्वायर ऐसे आ जाएगा इसका, ये दोनों पर अप्लाई हो रही है। डायरेक्ट कर दूंगी मैं, आप लोग डायरेक्ट नहीं करना। कैंसिल, इससे भी कैंसिल, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 25 होता है 5 का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। ये टू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखनी है, 2 तो कैंसिल हो गया, 5 की पावर = 3, ऊपर 1 5 है, नीचे 3 5 है, हम इस वाले 5 की पावर को नीचे ले आते हैं, बेस सेम है ना। 3 यहाँ पे 1 था, नीचे ले आएंगे −1, और ये जो स्क्वायर है ये 1/2 की पावर में आ जाएगा। 3 − 1 = 2। अब देखो तीनों पे स्क्वायर लेंगे और ब्रैकेट के बाहर भी 1/2 है, ये तीनों से कट जाएगा, इस 2 से भी ये कैंसिल, इस 2 से भी ये कैंसिल, इस 2 से भी ये कैंसिल, तो बचेगा 2 3 और 5। 2 3 हो जाएगा 3 आंसर। ये है पूरा सॉल्व क्वेश्चंस का, क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। थर्टीन वाला इसलिए छुड़वाया है कि जो अभी हमने 11 किया है वो बिल्कुल इसके ज़रा से होगा, तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्वेश्चन ये है हमारा, ये नहीं है, बट सिर्फ एक फ़र्क समझाने के लिए दोनों लिखे हैं मैंने। ब्रैकेट का मतलब है कि पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 × 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 3 के ऊपर स्क्वायर लगा है, मतलब 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है,
ये 2 पे क्यूब लगा है, 2 को 3 दफा करना है, 3 दफा करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 सा 9, 4 को करेंगे, 2 को करेंगे 2 दफा 3 दफा तो आएगा 8, यानी कि 4 की पावर 9 और 4 की पावर 8, यहाँ 8 प्लस में ऊपर ले जाएंगे माइनस 8 तो ये आएगा 1, यानी कि 4 इसका हो जाएगा आंसर।